Hi, I am Dr. Praveen Bhatia, Director, Bhatia Dentopulse, Janakpuri, New Delhi. आज हम डेंटल लेज़र्स के बारे में बात करेंगे. ये एक अत्याधुनिक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम दांतों में कठिन से कठिन ट्रीटमेंट को हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं. जैसे एक डेंटल लेज़र में एक रेज होती हैं जो आपके हम गम्स के ऊपर डाल के गम्स कटिंग करनी है. दिस इज़ ए ब्लडलेस, पेनलेस एंड नो एनेस्थीजिया हैज़ टू बी गिवन. उसके अलावा हम दूसरी एप्लीकेशन के जाएं तो रूट कैनाल की कैनाल्स को हम क्लीन करने के लिए, डिसइनफेक्ट करने के लिए डेंटल लेज़र्स का प्रयोग करते हैं. आपने अक्सर देखा होगा डेंटल गम्स के ऊपर एक ब्लैक से स्पॉट्स नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीपिगमेंटेशन. इस डीपिगमेंटेशन को भी एक ऊपर की मेलानिन की एक लेयर रहती है जो हम लेज़र के माध्यम से अच्छे से हटा सकते हैं. और एक स्ट्रेस सेंस नॉर्मली देखा होगा लोगों के दांतों में ठंडा गर्म पानी और सेंसिटिविटी किसी भी तरह की हो, आज लेज़र के माध्यम से हम उस डीसेंसिटी दांत को डीसेंसिटाइज भी कर सकते हैं. सेंसिटिविटी, ठंडा पानी लगना सब कम किया जा सकता है. आपने देखे होंगे अल्सर्स बहुत से लोगों के मुंह में आ जाते हैं कोई गर्म चीज़ खाने से या मेडिसिन खाने से, या हमारी बॉडी की एनाटॉमी ऐसी रहती है कि एप्थस अल्सर्स को हम दो डेंटल लेज़र्स की एप्लीकेशन से उसको रिमूव कर सकते हैं. जैसे एप्सेस बन गया है, सपोज पस फॉर्मेशन हो गई है, हम लेज़र के माध्यम से उसको पंच कर देते हैं और उसमें से जितना भी इन्फेक्शन रहता है वो आराम से निकल सकता है. आज एक सर्जरी में हमें बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है. बायोप्सी में पहले हम लोकल एनेस्थीजिया देके उसके बाद हम गम्स के एक पीस को कट करते थे, फिर लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते थे. उस गम्स को काटना अब लेज़र के माध्यम से बहुत आसान हो गया है, पेनलेस हो गया है. मोल्स हैं, एक स्किन के ट्रीटमेंट में देखा होगा मोल्स और वॉट्स होते हैं, बिना किसी दर्द के आप सेकंड्स के अंदर उस मोल्स को निकाल सकते हो. वाइटनिंग मैंने आपको बताया, दांतों की वाइटनिंग की जा सकती है. तो जिन क्लिनिक्स में दांतों में डेंटल लेज़र का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ उस इलाज को बहुत सुविधाजनक तरीके से आप अच्छे से पेनलेस तरीकों से, और हमारे भाटिया डेंटोपल्स जनकपुरी न्यू दिल्ली में ये सारी सुविधाएँ आपको अंडर वन रूफ मिलेंगी. इसी में OPG, रूट कैनाल्स, ऑर्थो ट्रीटमेंट, सब तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है. मेरी एक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल का आइकॉन होगा उसको प्रेस करें जिससे आगे आने वाले हर वीडियो को हम आप तक पहुंचा सकें.